राखी सावंत हुई इमोशनल, झूठे आरोपों को लेकर कही ये बात। वेल, बॉलीवुड की ड्रामा क्वीन कही जाने वाली एक्ट्रेस राखी सावंत इस वक्त अपने पति आदिल खान दुरानी और बेस्ट फ्रेंड राजश्री से चल रही कंट्रोवर्सी को लेकर लाइमलाइट में बनी हुई हैं। एक्ट्रेस का अब एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक्ट्रेस का इमोशनल ब्रेकडाउन होता हुआ नजर आया। राखी सावंत सोशल मीडिया पर लाइव आकर फैंस के सामने अपना दुख दर्द बांटती हुई नजर आई और काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। राखी सावंत अपने वीडियो में कहती हुई नजर आ रही हैं कि उन पर दोष कलंक पर कलंक बेमतलब के ही लगाए जा रहे हैं लोग। राखी ने कहा कि अब वो काम की तरफ ज्यादा ध्यान देंगी ना कि फालतू की चीजों की तरफ। राखी वीडियो में कहती हुई नजर आई कि अब वो सिर्फ काम पर ध्यान देंगी। आज के बाद कोई दोस्त, कोई यार, कोई बॉयफ्रेंड कुछ नहीं है जिंदगी में, दोस्त कोई नहीं चाहिए अब मुझे। राखी लाइव आई और अपने फैंस के साथ अपना दुख दर्द शेयर किया। राखी ने कहा कि लाइफ बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, एकदम अनाथ हो गई हूँ मैं, एकदम अनाथ, ना मम्मी है ना पापा है, सबने धोखा दे दिया है मुझे। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, कोई मुझे समझ ही नहीं पाया आज तक, सबका अच्छा भला करती थी लेकिन सबने बस मेरा इस्तेमाल ही किया है। अरे इंसान हूँ मैं, साबुन थोड़ी हूँ जो कि इस्तेमाल करोगे, तुशी थोड़ी हूँ जो कि इस्तेमाल करके मुझे फेंक दोगे। राखी ने आगे कहा किसी ने मेरे इमोशंस की कदर नहीं की, सभी ने मेरे इमोशंस के साथ खेला, किसी ने मेरी जिंदगी के साथ खेला, किसी ने दोस्ती करके। खुदा मैं तो नमाज पढ़ती हूँ, आपकी किताबें पढ़ती हूँ, आपकी राह पर चलती हूँ। आपने कहा सबको माफ करो और आगे बढ़ो, कभी क्लब नहीं जाती, कभी दारू नहीं पीती, सिर्फ बॉलीवुड में काम करती हूँ जिस हिसाब से करना होता है। वहीं एक्ट्रेस आगे कहती हुई नजर आई, क्या दूसरों के ऊपर विश्वास करना, दोस्ती करना कसूर है मेरा? क्या प्यार करना, क्या शादी करना कसूर है मेरा? क्या मैं बगैर शादी करे लोगों के साथ घूमूं वो बेहतर होगा? तो आप वही एक्ट्रेस आगे कहती हुई नजर आई, शादी करो तो लोग यूज करते हैं, खिलवाड़ करके चले जाते हैं। राखी अपने माँ बाप को भी याद करते हुए काफी ज्यादा इमोशनल होती हुई नजर आई और अपने काम पर अब फोकस करने की बात कह रही होती है। पर आपका राखी सावंत के इस वीडियो पर क्या कुछ है कहना हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।